अरे वाह, आज तो लग रहा है कमला बड़ी गहरी नींद में सो रही है। नहीं तो रोज सुबह सुबह उठकर मेरे दरवाजे पे कूड़ा डाल जाती है। आज मैं भी अपने घर का कूड़ा लाई हूँ और इसी के दरवाजे पे डालूंगी, तब इसको पता चलेगा। अरे आज इसने फिर मेरे दरवाजे पे कूड़ा डाल दिया। इतना समझाती हूँ लेकिन इसकी समझ में ही नहीं आता। लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, मुझे भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी बताती हूँ इस कर्म जली को। आज मैं भी अपने घर का कूड़ा लाई हूँ और इसी के दरवाजे पे डालूंगी, तब इसको पता चलेगा कि दूसरों के दरवाजे पर कूड़ा डालने से क्या होता है। अरे अरे अरे, ये क्या, आज फिर तूने मेरे दरवाजे पे कूड़ा डाल दिया। अच्छा, पहले तो तूने डाला था। क्या कहा, मैंने डाला था कि तूने डाला था? अरे तू तो रोज रोज कूड़ा डालती है। देख, एक तो कूड़ा डालती है, ऊपर से झूठ बोलती है। मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे तू झूठी, तेरा पूरा खानदान झूठा। देख, तू मेरे खानदान की बात करेगी? अरे जाजा, तू झूठी, तेरे मायके ससुरे वाले सब झूठे। देख, तू मेरे मायके ससुरे की बात तो करना नहीं, तो क्या तू मेरे खानदान की बात करेगी? अरे मैं तेरा मुंह नोच डालूंगी। अच्छा, तू मेरा मुंह नोचेगी? आ भी बताती तुझको। हाँ हाँ, आजा आजा, हाथ तेरी की, हाथ तेरी, हाथ तेरी, हाथ तेरी, हाथ तेरी। रुको 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 रुको, क्या बात, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रही हो? अरे देखिए ना, ये रोज रोज ला करके मेरे दरवाजे पे कूड़ा डाल जाती है। मैं सुबह से शाम तक सफाई करते करते परेशान हो जाती हूँ। अपने बच्चों को समय से स्कूल भी नहीं भेज पाती। अरे बस कर बस कर, पहले कूड़ा तू डालती है। पहले तूने डाला था, तूने डाला था, तूने तूने तूने। चुप। अरे तुम दोनों की लड़ाई में तो मेरा ही कचूमर निकल गया। तुम इधर बैठ, तुम इधर बैठ, मैं सब समझ गया। देखो, तुम कूड़ा डालती इनके दरवाजे पर और तुम डालते इनके दरवाजे पर, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि जब हवा चलती है तो यही कूड़ा उड़ता है। कुछ तुम्हारे दरवाजे पे जाएगा, कुछ तुम्हारे दरवाजे पे जाएगा और कुछ कूड़ा उड़ करके नाली में चला जाएगा। जब कूड़ा नाली में जाएगा तो नाली बंद हो जाएगी, पानी का बहना रुक जाएगा, फिर उसके अंदर कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर पैदा होंगे कि नहीं पैदा होंगे? हाँ, वो तो पैदा ही होंगे। फिर वही कीड़े मकोड़े, वही मक्खी मच्छर उड़कर तुम लोगों के शरीर पर बैठेंगे, तुम्हारे बच्चों के शरीर पर बैठेंगे, तुम्हारे खाने के सामान पर बैठेंगे। फिर वही गंदा खाना तुम सभी लोग खाओगे, अपने बच्चों को खिलाओगे, तो बताओ बीमारी होगी कि नहीं होगी? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्यों सोचोगी, तुम दोनों की अकल में तो उल्लू अंडा दे गया है ना। लेकिन अब आप बताओ ना, इस कूड़े का क्या किया जाए? अरे करना क्या है, कूड़ा है, कहीं ना कहीं तो डाला ही जाएगा। अब कूड़ा कहाँ डाला जाता है ये तो आजकल बच्चा बच्चा जानता है। क्यों बच्चों, बताओ कूड़ा कहाँ डाला जाता है? सुन लिया, बच्चे बच्चे को पता है कि कूड़ा डस्टबिन में डाला जाता है, और तुम दोनों बच्चों की मम्मियां होकर भी नहीं जानती हो? नहीं, अब तो हम लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। लेकिन एक बात और भी है, तुम लोग गांव की रहने वाली हो, खेती बाड़ी भी करती हो, किसानी करती हो, और खेतों में फसल पैदा करने के लिए खाद की जरूरत पड़ती है।
इसलिए अपने घर के आसपास में एक गड्ढा बना लो, उसमें रोज का कूड़ा ले जाकर के डाल दिया करो। जब थोड़ा सा गड्ढा भर जाए तो उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल दो, फिर कूड़ा डालो। जब गड्ढा पूरी तरह भर जाए तो उसको मिट्टी से बंद कर दो। कुछ दिनों के बाद ये गड्ढे का कूड़ा सड़ करके बढ़िया खाद बन जाएगी, उसको ले जाकर के अपने खेतों में डालो और अच्छी फसल पैदा करो। अरे वाह, ये तो वही बात हो गई कि आम के आम और कूड़े के भी दाम। बिल्कुल, कूड़े के भी दाम। दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती, बस जरूरत है अपने अंदर समझदारी रखने की और अपने आसपास साफ सफाई रखने की। और फिर देख रही हो, इस समय हम लोग जहाँ पर खड़े हैं धौरहरा के इस पवित्र जगह पर, जिस यहाँ पर इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, और ये मेला कोई साधारण बात नहीं होती। मेला लगवाना, मेले की व्यवस्था करना, ये मामूली काम नहीं होता। ये केवल एक आदमी के बस की बात नहीं होती है, इसमें तो सबके सहयोग की जरूरत होती है। अब सब लोग सहयोग कैसे करेंगे? अरे भाई, आप लोग आते हो, मेला लगा है, कहीं चाट खा रहे हो, कहीं पकौड़ी खा रहे हो, कहीं जलेबी खा रहे हो। अब ये सब खाने के बाद आप लोग क्या करते हो कि पत्ते को वहीं उठा के फेंक देते हो, और जब पत्ते को फेंक देते हो फिर कोई जानवर आता है या पैरों में लग करके पूरे मेले में फैल जाता है। नतीजा होता है कि गंदगी फैल जाती है। फिर आप ही जब देखते हो तो कहते हो, पता नहीं किसने गंदा कर दिया। अरे भाई, ये जरूरी है कि हम सभी लोग इस बात का ध्यान रखें और पत्ते को, दोने को उठा करके डस्टबिन में डाल दें, क्योंकि हर दुकानदार अपने पास डस्टबिन रखता है। तो अगर सभी लोग सहयोग करेंगे तभी तो इतना बड़ा आयोजन सफल हो पाएगा। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? बोलिए। अरे बच्चों, आप लोग भी बोलो, ठीक है ना? आप दोनों की समझ में बात आई? हाँ, हमारी समझ में बात आ गई। अब हम लोग कभी भी किसी के दरवाजे पे कूड़ा नहीं डालेंगे और हाँ, आपस में लड़ाई भी नहीं करेंगे। ए बहन, हाँ बहन, आज से हम लोग आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। आओ, हम लोग गले मिलते हैं। आओ आओ, हाँ 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 हाँ, चलो बहन, हम लोग चलते हैं। अरे सुनो तो, देखो तुम दोनों की समझ में तो बात आ गई, लेकिन केवल तुम दोनों के समझ लेने से काफी नहीं है, ये बात तो सबको समझनी पड़ेगी। तो ठीक है, हम लोग आज से ही जा करके अपने आसपास की सभी बहनों को, सभी भाइयों को, सभी बच्चों को ये बात बताएंगे। बिल्कुल बताना, क्योंकि स्वच्छता रखना ये भी किसी पूजा से कम नहीं है, किसी यज्ञ से कम नहीं है। क्योंकि पूजा पाठ करने से तो केवल एक आदमी के मन को शांति मिलती है, लेकिन साफ सफाई रखने से तो पूरे परिवार को, पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को शांति मिलती है और सबका स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो ये तो बहुत बड़ी पूजा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। वाह भैया, इन लोगों की समझ में तो बात आ गई, पर का आप लोगों की समझ में बात आई? अगर सबकी समझ में बात आई है तो बजाओ ताली इसी बात पर। वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। तो भैया, अब हम भी चल रहे हैं। जय राम जी की।